शहर में एक बिल्डिंग के अंदर जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना जोरदार था कि आवाज मेहुल के घर तक पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करता है, इंस्पेक्टर अभी अभी मैंने एक धमाके की आवाज सुनी, वो क्या था? तो पुलिस मेहुल को बताती है कि सर बिल्डिंग के अंदर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। बम ब्लास्ट की बात सुन मेहुल तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी कार से उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। मैं आलिया को भी कॉल कर देता हूँ। मेहुल अपनी कार के स्क्रीन में आलिया का नंबर सर्च करता है। मेहुल कॉल लगाता है लेकिन आलिया का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है आलिया अपना मोबाइल बंद करके आराम से सो रही है। मुझे ही कुछ करना होगा और उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी और वहां आसपास मौजूद काफी लोगों को चोटें भी आई थी। मेहुल तुरंत पुलिस के साथ काम में जुट जाता है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है, सभी लोग रेस्क्यू करने में जुट जाओ, हो सकता है कोई बिल्डिंग के नीचे भी दबा हो। तभी अचानक वहां पे बहुत सारी मीडिया आ जाती है और मेहुल से तरह तरह के सवाल करने लगती है। मेहुल मीडिया वालों से कहता है, बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था इसलिए किसी की भी डेथ नहीं हुई है, हम लोग बम ब्लास्ट की छानबीन कर रहे हैं। तभी एक जोरदार ब्लास्ट और होता है और सभी लोग खेल जाते हैं। ओह नो, शहर में एक और ब्लास्ट हो गया। शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया था और एक हरे कलर की गैस पूरे शहर में फैलने लगी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये सब क्या हो रहा है आज रात? देखते ही देखते वहाँ आसपास के सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं। लगता है ये स्लीपिंग गैस है, सब बेहोश हो रहे हैं। मेहुल इधर उधर देखता है तभी उसको पुलिस की गाड़ी में आगे एक सर्जिकल मास्क रखा हुआ दिखता है। मेहुल वो सर्जिकल मास्क पहनता है और लड़खड़ाते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल तो बच जाता है लेकिन उसकी आंखों के सामने पुलिस, मीडिया और मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। लगता है पूरा शहर खतरे में है, अगर मैं बेहोश हो जाता तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मेहुल अपनी कार में बैठकर ये सब देख रहा था तभी वहां पर एक कार आती है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसने एक अलग तरह का मास्क पहना हुआ था और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वो आदमी टूटी हुई बिल्डिंग की एक फोटो लेता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये सब कुछ पूरे प्लान के साथ किया गया है। लगता है ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसके बाद मेहुल दोबारा से आलिया को कॉल लगाता है। पूरी रिंगटोन जाने के बाद भी आलिया कॉल रिसीव नहीं करती है। मेहुल आलिया को पूरी डिटेल्स मैसेज कर देता है। वहीं दूसरे तरफ आलिया एक सपने से उठी थी। आलिया ने देखा था कि मेहुल एक जेल में रस्सी से बंधा हुआ है और एक जहरीली गैस उसे मार रही है। सर सर, आलिया मेहुल का मैसेज पढ़ती है और उसे जहरीली गैस की स्मेल भी आने लगती है। वो अपने बैग से एक टैबलेट निकालती है, खाती है और अपनी स्कूटी लेके मेहुल के पास पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी मेहुल के गाड़ी के बाजू में लगा देती है। मेरा अंदाजा सही निकला, आलिया बिल्कुल सेफ है। आलिया मेहुल को मैसेज करती है कार का दरवाजा खोलने के लिए। ये लड़की बिल्कुल पागल है, बाहर जहरीली गैस है और इसे अंदर आना है, मुझे मारना है। लेकिन इससे जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हो रहा है? मेहुल कार का दरवाजा खोल देता है और आलिया तुरंत मेहुल की कार में आ जाती है। आलिया फिर मेहुल को एक छोटा सा बॉक्स देती है। इसमें क्या है आलिया? सर इसमें एक टैबलेट है, आप उसे खा लीजिए। कौन सी टैबलेट? और भला मुझे टैबलेट खाने की क्या जरूरत है? तुम क्या बकवास कर रही हो आलिया? मेहुल वो बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर एक टैबलेट रखी हुई थी। ये किस चीज की टैबलेट है आलिया? मजाक मत करो अभी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। कितनी बार कह चुका हूँ ड्यूटी के समय मजाक मत किया करो। फिर आलिया मेहुल को बताती है कि सर पूरे शहर में जहरीली गैस का जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्लोरोफिल केमिकल था जिससे सारे लोग बेहोश हो गए हैं और गहरी नींद में सो गए हैं। ये उसकी एंटी टैबलेट है, इसे खाने के बाद आपकी बॉडी में जितना भी केमिकल गया होगा सर वो खत्म हो जाएगा। इतना सुनते ही मेहुल तुरंत टैबलेट खा लेता है। आलिया कभी कभी तुम बहुत समझदारी वाला काम कर देती हो, इसलिए मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है। अब मुझे डॉक्टर संजना और भूलभुलैया साइंटिस्ट की मदद लेनी ही पड़ेगी क्योंकि पूरा शहर खतरे में है और भूलभुलैया साइंटिस्ट के पास इसका कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। मेहुल और आलिया तुरंत डॉक्टर संजना के घर की तरफ निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें एक चौराहे पर 5-6 पुलिस वाले मिलते हैं जो उन्हें रोक लेते हैं। उन लोगों को देखते ही मेहुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाले नकली है। उन पुलिस वालों को ध्यान से देखिए, उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रखा है, फिर भी वो लोग अभी तक बेहोश नहीं हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों ने एंटीडोज ले ली होगी और ये लोग उसी गैंग के आदमी होंगे जिसने शहर में केमिकल ब्लास्ट करवाया है। आलिया तैयार रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मेहुल अपना मास्क लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। जैसे ही मेहुल गाड़ी से बाहर निकलता है वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं लेकिन आलिया तुरंत कार से बाहर आती है और चारों नकली पुलिस वालों को एक एक पंच मारती है। वो पंच खाकर पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। आलिया तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया? सर मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। लेकिन तभी एक नकली पुलिस वाला एक अजीब तरह की चीज निकालता है और हवा में फायर कर देता है। उसके फायर करते ही आसमान में रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। आलिया इस पुलिस वाले को पकड़ो, लगता है ये किसी को सिग्नल दे रहा है।
मेहुल का ऑर्डर मिलते ही आलिया उस नकली पुलिस वाले की गर्दन पे कुछ कर देती है और वो नकली पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। तुमने इसे बेहोश क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें इसे केवल पकड़ने कहा था। सर, हम लोग इसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देंगे और इसे जिंदा छोड़ देंगे, और जैसे ही अपने मालिक के पास जाएगा हम इसकी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे। आलिया, बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर वो लोग उसके अंदर एक माइक्रोचिप लगा देते हैं और बाकी नकली पुलिस वालों को अपनी कार में रखकर डॉक्टर संजना के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेहुल और आलिया मास्क लगाकर कार से बाहर निकलते हैं, तभी एक लेजर लाइट आलिया के सिर पे आ जाती है। मेहुल एक सेकंड में समझ जाता है कि कोई लेजर गन से आलिया को टारगेट कर रहा है। मेहुल तुरंत आलिया को पीछे की तरफ से धक्का देता है और आलिया के ऊपर गिर जाता है। इतने में लेजर गन से फायरिंग हो जाती है और गोली मेहुल के कार से आके टकरा जाती है। मेहुल तुरंत उठकर उस फायरिंग करने वाले आदमी को देखता है, लेकिन वो भाग जाता है। लगता है कोई हमें मारकर पूरे शहर को शमशान बनाना चाहता है। उस गैंग को पता चल गया है कि हम बच गए हैं। आलिया भी पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। डॉक्टर संजना लैब में थी, जो पूरी सील्ड है और फिंगरप्रिंट से ही ओपन होती है। मेहुल अपने फिंगर से लैब ओपन करता है और दोनों लैब के अंदर चले जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना आराम से सो रही थी और उनके कान में हेडफोन लगे हुए थे। मेहुल डॉक्टर संजना को नींद से जगाता है। डॉक्टर संजना, आप लगता है काफी टाइम से लैब में है, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चला। सारा शहर गहरी नींद में सो चुका है। किसने केमिकल वाला बम ब्लास्ट कर दिया है और शहर के सारे लोग बेहोश हो गए हैं। आप लैब में थे इसलिए बच गई। मैं भूलभुलैया साइंटिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। इन पांचों नकली पुलिस वालों की बॉडी में पहले से एंटीडोज है, आप इनका ब्लड टेस्ट करके एंटीडोज तैयार कीजिए। मेहुल डॉक्टर संजना की मदद के लिए आलिया को वहीं छोड़ देता है और साइंटिस्ट भूलभुलैया की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल रास्ते से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे फाइटर्स उसके सामने आ जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वो 6 लोग थे और उनके कपड़ों पर जयकाल आर्मी लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल, ये तो जयकाल की आर्मी है। जयकाल तो बहुत साल पहले यहाँ से भाग गया था। जयकाल की आर्मी सबसे पहले मेहुल के चारों टायर पे गोली मार के उसे पंचर कर देती है। कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल अभी तक सेफ था। वो लोग सामने से गोलियां चलाते हुए मेहुल की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर मैं कार से बाहर निकला तो मैं मर जाऊंगा। आज मुझे अपनी कार की स्पेशल पावर को यूज करना होगा। मेहुल अपनी कार का एक बटन दबाता है। मेहुल की कार के आगे से गोलियां चलने लगती है और जयकाल की पूरी आर्मी मर जाती है। अब मुझे चोरी छुप कर साइंटिस्ट भूलभुलैया के पास जाना होगा, वरना जयकाल आर्मी दोबारा से मुझ पे हमला कर देगी। मेहुल अपनी कार को जंगलों में झाड़ियों में छुपा देता है और चोरी छुपे भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। तभी मेहुल देखता है कि घर के बाहर पाइप से पानी आ रहा है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि भूलभुलैया साइंटिस्ट खतरे में है। मेहुल तुरंत घर के अंदर चला जाता है तो वहां का नजारा देख हैरान रह जाता है। किसी ने भूलभुलैया साइंटिस्ट के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दिया था और उसे बाथरूम के अंदर डाल दिया था, और बाथरूम के फर्श पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। शायद यही पानी वो पाइप से बाहर आ रहा होगा। मेहुल तुरंत अंदर जाके साइंटिस्ट के हाथ पैर मुंह खोल देता है। तब साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे बाथरूम में बंद कर दिया और लैब के अंदर से कुछ चुरा कर भाग गए। साइंटिस्ट ने जैसे तैसे पानी की पाइपलाइन तोड़ दी जिससे मेहुल को सिग्नल मिल जाए कि भूलभुलैया साइंटिस्ट जिंदा है और घर में है। भूलभुलैया साइंटिस्ट, तुम्हारी चालाकी काम कर गई और मैंने घर के बाहर का पानी देख लिया था, वरना मैं वापस जाने वाला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन लोगों ने तुम्हें मारा क्यों नहीं। इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट तुरंत घर के अंदर बनी लैब में जाते हैं। मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट पूरी लैब को अच्छे से छानबीन करते हैं। तभी साइंटिस्ट कहता है, अरे वो तो गैस लॉन्चर चुरा के भाग गए है। भूलभुलैया साइंटिस्ट, ये गैस लॉन्चर क्या चीज है और इससे क्या होता है? तब भूलभुलैया साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि गैस लॉन्चर से एक बार में ही बहुत सारी गैस को लॉन्च की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी परफ्यूम की खुशबू को पूरे शहर में फैलाना हो तो ये गैस लॉन्चर की मदद से एक बार में ही परफ्यूम की खुशबू पूरे शहर में फैला सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब इसी गैस लॉन्चर की मदद से उन लोगों ने पूरे शहर में केमिकल वाली गैस को फैला दी है और लोग बेहोश हो रहे हैं। और मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट लैब में एंटीडोट बनाने का डिस्कशन कर रहे थे कि तभी मेहुल को टिक 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 आवाज आती है। साइंटिस्ट, यहाँ बॉम्ब है, जल्दी अपना सीक्रेट रूम ओपन करो। मेहुल और साइंटिस्ट सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। किसी ने दोनों को मारने के लिए बॉम्ब प्लांट किया था। साइंटिस्ट, हमें जल्द से जल्द इस केमिकल वाली गैस का एंटीडोट तैयार करना होगा। आज तो बच गए, लेकिन ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने डॉक्टर संजना को भी एंटीडोट पे काम करने के लिए बोल दिया है। तभी मेहुल को कुछ हेलीकॉप्टर जैसा सुनाई देता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो भूलभुलैया साइंटिस्ट के घर के ऊपर 3 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है जयकाल आर्मी हमें मारने के लिए दोबारा आ गई है। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट की लैब से एक टेलीस्कोप उठाता है और भूलभुलैया साइंटिस्ट से कहता है, मैं टेलीस्कोप की मदद से देखता हूँ कि वो कितने लोग हैं और उनके पास क्या क्या हथियार है। मेहुल तीसरी खिड़की में टेलीस्कोप लगाता है और 3 हेलीकॉप्टर्स को ध्यान से देखता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग गन लेकर तैयार थे और हेलीकॉप्टर के अंदर जयकाल का राइट हैंड सूर्या भी मौजूद था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जयकाल का राइट हैंड सूर्या हेलीकॉप्टर के अंदर है, मुझे कुछ करना होगा। सूर्या भी मेहुल को देख लेता है। अरे ये तो अब तक जिंदा है।
बिहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, मुझे एक हथियार चाहिए ताकि जयकार आर्मी का सामना कर सकूं। बुलबुले साइंटिस्ट तुरंत अपनी लैब से बिहुल को दो स्पेशल रिवॉल्वर देता है। दोनों रिवॉल्वर की बुलेट ब्लास्टिंग वाली बुलेट थी, मतलब टारगेट में लगने के बाद बुलेट ब्लास्ट हो जाती है। अचानक जयकार का राइट हैंड चूड़िया और जयकार आर्मी बुलबुले साइंटिस्ट के घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। बिहुल तीसरी खिड़की की मदद से पेड़ पे लटक जाता है और धीरे धीरे करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। वहां से मेहुल अपनी दोनों गन निकालता है और छुपकर जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर को टारगेट करने लगता है। मेहुल गन से हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर निशाना लगाता है। मेहुल का निशाना कभी नहीं चुकता। मेहुल गोली चला देता है और बुलेट सीधे जाके हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों पर लग जाती है। जैसे ही गोली उस पर लगती है, एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर क्रैश हो जाता है। के बाद मेहुल दूसरे हेलीकॉप्टर को निशाना लगाने जाता है, तभी जयकाल का राइट हैंड सूर्या मेहुल को देख लेता है और एक हैंड ग्रेनेड मेहुल के ऊपर फेंक देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल तुरंत पेड़ से कूदता है और इतने में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ज्यादा ऊपर के गिरने की वजह से मेहुल के पैर पे चोट आ जाती है और सूर्या मेहुल पे फायरिंग भी शुरू कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल लंगड़ लंगड़ के भागने लगता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उधर लैब के अंदर डॉक्टर संजना जयकाल आर्मी के उन 5 लोगों का चेकअप कर रही थी जो नकली पुलिस वाले बनकर आए थे, और आलिया वहाँ बैठकर एप्पल खा रही थी। लेकिन तभी उन 5 में से एक आदमी को होश आ जाता है और वो डॉक्टर संजना की एक बड़ी कैची उठाकर धीरे धीरे आलिया की तरफ आने लगता है। आलिया मोबाइल की स्क्रीन पर बिजी थी, लेकिन आलिया को अपनी स्क्रीन में पीछे से जयकाल का आदमी आते हुए दिख जाता है। आलिया अपनी चेयर घुमाती है, खड़ी होती है और उसे जोरदार किक लगाती है और वह दूर जाके गिरता है। और फिर वापस आलिया उसके नेक पे एक इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देती है। फिर डॉक्टर संजना आलिया को एक इंजेक्शन देती है जो 5 ml का है और 8 hours के लिए इंसान को सुला देता है। डॉक्टर संजना पांचों को 16-16 घंटे के लिए बेहोश करने का प्लान बनाती है। आलिया एक एक करके सभी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और सारे जयकाल आर्मी के लोग 16 घंटे के लिए बेहोश हो जाते हैं और आलिया फिर से अपने मोबाइल पे डिटेक्टिव मेहुल गेम खेलने लग जाती है। उधर बुलबुले साइंटिस्ट के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। साइंटिस्ट बहुत होशियार था, वो डिटेक्टिव मेहुल को बचाने के लिए अपने लैब में गैजेट देखने लगता है। वहीं जयकाल का राइट हैंड चूड़िया स्नाइपर बंदूक से निशाना लगाता है और पेड़ के पीछे छुपे मेहुल को टारगेट करता है। गोली मेहुल के बिल्कुल बगल से निकल जाती है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ ज्यादा देर छुपने का कोई फायदा नहीं है और मुझे बुलबुले साइंटिस्ट को भी बचाना है, वो इस फायरिंग से नहीं बच पाएगा। मेहुल अपनी दोनों रिवॉल्वर लेके पीछे की तरफ भागता है और जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर के ऊपर हवा में फायरिंग करने लगता है। मेहुल की किस्मत अच्छी थी और एक गोली जयकाल आर्मी के हेलीकॉप्टर में लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सूर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक की जगह हेलीकॉप्टर से बम फेंकने लगता है। एक बम मेहुल के पास आके गिरता है और बम ब्लास्ट होते ही मेहुल उछलकर दूर जाके गिरता है। मेहुल की पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, उसके कपड़े भी फट चुके हैं। सूर्या हेलीकॉप्टर लेके मेहुल के ऊपर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मेहुल, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ करना होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो शहर को कौन बचाएगा। मेहुल को पास में एक लकड़ी का डंडा दिखता है। मेहुल लकड़ी का डंडा उठाकर हेलीकॉप्टर के फैन में फेंक देता है जिससे सूर्या का हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सूर्या हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा देता है और हेलीकॉप्टर पेड़ से जाकर टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते ही सूर्या पूरी तरीके से घायल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर मेहुल सूर्या की गर्दन पकड़कर तोड़ देता है और सूर्या वहीं पे मर जाता है। सूर्या के मरते ही मेहुल तुरंत वहां से भागने लगता है और तभी हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और जोरदार ब्लास्ट होता है। हेलीकॉप्टर का एक टुकड़ा हवा में उछलकर मेहुल से टकरा जाता है, उसकी वजह से मेहुल दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर घर के अंदर बुलबुले साइंटिस्ट सोच रहा था, 1 घंटे से मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है, मतलब मेहुल ने जयकाल आर्मी को खत्म कर दिया होगा, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। बुलबुले साइंटिस्ट घर के बाहर जाता है लेकिन उसे मेहुल नहीं दिखाई देता। साइंटिस्ट मेहुल को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर मेहुल पे पड़ती है। मेहुल की हालत देख साइंटिस्ट हैरान रह जाता है और मेहुल को उठाकर अपने घर के अंदर लेके जाता है। वो मेहुल को एक पावर वाला इंजेक्शन लगाता है जिससे मेहुल को होश आ जाता है। मुझे तुरंत डॉक्टर संजना के पास लेके चलो, मेरे घुटने में बहुत बड़ी चोट है। मेहुल की ऐसी हालत देख आलिया के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और वो दौड़कर मेहुल को अपने कंधे से सहारा देकर पकड़ लेती है। डॉक्टर संजना भी तुरंत दौड़कर वहाँ आ जाती है। मेहुल को इतनी खराब कंडीशन में देखकर डॉक्टर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आलिया भी रोने लगती है। तुम लोग रोना धोना बंद करो और जल्दी से मेरा इलाज करो, हमें पूरे शहर को बचाना है। इसके बाद आलिया और डॉक्टर संजना मेहुल को अंदर ले जाते हैं और डॉक्टर संजना मेहुल का इलाज करने लगती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बेहोश कर देती है ताकि मेहुल को ज्यादा दर्द ना हो और इसके बाद मेहुल के घुटने का ऑपरेशन करने लगती है। तभी लैब के अंदर एक रोबोट आ जाता है। मैं अभी इस रोबोट को उठाकर बाहर फेंक देती हूँ,
आलिया रुको, उसे हाथ मत लगाना, ये बम ब्लास्टिंग रोबोट है, इसके अंदर टाइम बम फिट किया गया है जो फटने वाला है। मेहुल सर तो बेहोश है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा वरना सब मारे जाएंगे। बुलबुले साइंटिस्ट बिना कुछ देरी किए हाथों में रबर ग्लास पहनता है और एक स्क्रू की मदद से रोबोट का आगे का हिस्सा खोल देता है और चौथी वाली ब्लैक वायर को काट देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है। सर आपके बारे में बहुत सुना था, आज देख भी लिया, आप वाकई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आलिया, बुलबुले साइंटिस्ट और डॉक्टर संजना मेहुल के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद मेहुल को होश आ जाता है। मेहुल को होश में आते ही डॉक्टर संजना मेहुल को सबसे पहले टैबलेट खिला देती है और फिर उसे आराम करने के लिए कहती है। नहीं डॉक्टर संजना, पूरे शहर खतरे में है, आप ये बताइए कि आपने उन 5 जैकल आदमी से एंटीडोज के बारे में क्या पता लगाया है। तब डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि उस एंटीडोज में किसी स्पेशल आदमी का डीएनए इस्तेमाल किया गया है, उस डीएनए के बगैर एंटीडोज नहीं बन सकता। तभी बुलबुले साइंटिस्ट कहता है, जब मेहुल ने 5 साल पहले जैकाल को पकड़ा था तब मैंने उसके कुछ बाल रख लिए थे, हमें जैकाल के बालों से इस डीएनए को मैच करना चाहिए। तभी अचानक मेहुल के पास किसी का कॉल आता है। ये तो मेरा कभी का कॉल है, इसका मतलब मेरा कभी जैकाल आदमी के बम ब्लास्ट से बच गया है, लेकिन कैसे? मेहुल तुरंत अपने कबरी को उसके पास आने के लिए कहता है, जल्दी से डॉक्टर संजना की लैब में आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है, हमें पूरे शहर को बचाना है। थोड़ी देर बाद मेहुल का खबरी वहाँ आ जाता है। मेहुल के खबरी ने बड़ी सी टोपी लगा रखी थी और एक चश्मा भी लगा के रखा था। वो मेहुल से कहता है, सर हमारे 10-15 आदमी अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और शहर के अंदर एक सीक्रेट प्लेस में छुपे हुए है, हमारे पास एक स्पेशल मास्क भी है जिसके वजह से हम बच गए है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सभी लोगों से कॉन्टेक्ट करो और मेहुल आर्मी बनाओ, हमें हर हाल में जयकाल को हराना है। इसके बाद बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल के खबरी को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। साइंटिस्ट उसे बहुत सारे हथियार और बिस्किट बम देता है। ये बिस्किट बम है, ये देखने में बिल्कुल बिस्किट जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके ऊपर पैर रखेगा ये बिस्किट ब्लास्ट हो जाएगा। फिर मेहुल का खबरी मेहुल की आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है और बुलबुले साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने अपने साथ बहुत सारे बिस्किट बम और एक स्पेशल गन भी लेके आया था। बुलबुले साइंटिस्ट मेहुल को अपनी स्पेशल गन और बिस्किट बम दे देता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट के पीछे एक आदमी लैब के अंदर आ जाता है। इस आदमी ने लैब के दरवाजे का पासवर्ड कैसे खोल लिया, कौन है ये? लेकिन मेहुल उस आदमी के पैरों के निशान देखकर ही समझ जाता है कि वो एक रोबोट है। वो रोबोट एक हरे कलर की गैस रिलीज कर देता है। ग्रीन कलर की गैस देखते ही देखते पूरी लैब में फैल जाती है। इसके पहले कि आलिया उस रोबोट के पास पहुंच पाती वो बेहोश होने लगती है। धीरे धीरे करके सभी लोगों को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर संजना तुरंत लैब के अंदर के एक बटन दबा देती है और लैब के अंदर ऑक्सीजन गैस का धुआं उड़ने लगता है। इसके बाद डॉक्टर संजना लैब के चारों तरफ लगे पाइप को खोलने लगती है। लैब के ऊपर एक पाइप लगा हुआ था और लैब के नीचे 2 पाइप लगे हुए थे, जिनसे होकर लैब के अंदर की गैस बाहर निकलने लगती है। थोड़ी देर बाद लैब के अंदर मौजूद सारी हरी कलर की गैस बाहर निकल जाती है और सभी लोगों की जान फंस जाती है। आलिया उस रोबोट को पकड़ो, वो कहाँ गया? आलिया उस रोबोट को लैब के अंदर देखती है, लेकिन वो रोबोट गायब हो चुका था। हमें जल्दी से कुछ करना होगा क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं हम पर जानलेवा हमला हो रहा है। फिर मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट से कहता है, और डॉक्टर संजना मिलकर एक एंटीडोज बनाने का काम शुरू कर दो, तब तक मैं और आलिया बाहर जाकर देखते हैं। मेहुल बुलबुले साइंटिस्ट के कुछ बिस्किट बम आलिया को दे देता है। आलिया बिस्तर से उठने में मेहुल की मदद करती है और फिर दोनों कार में जयकाल का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। आलिया कार चला रही थी और मेहुल शहर को देख रहा था। आलिया बिल्कुल सावधान रहना, जयकाल कभी भी हम पे हमला करवा सकता है। मेहुल और आलिया रोड से जा रहे थे, तभी मेहुल चौराहे का नजारा देखकर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई आदमी है। साइड वाली वॉल पे देखिए एक परछाई बन रही है, उसी से मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी छुपा हुआ है। आलिया कार को जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करो, यहाँ हो सकता है जयकाल आदमी है। आलिया एक घर के बगल में गाड़ी खड़ी कर देती है। मेहुल और आलिया तुरंत कार से उतर जाते हैं और एक घर के अंदर छुप जाते हैं। मेहुल और आलिया जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तभी उनकी कार पे ब्लास्ट हो जाता है। मेहुल खिड़की से दिखता है तो चौराहे के उस तरफ जयकाल आर्मी खड़ी हुई थी और उन लोगों ने बम लॉन्चर से कार को उड़ा दिया था। देखा आलिया, अगर हम लोग सीधे चले जाते तो हम दोनों भी मर जाते, अच्छा हुआ मैंने उस आदमी को देख लिया था। सर आप वाकई ही ग्रेट डिटेक्टिव है, दुनिया में आपसे बड़ा डिटेक्टिव हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक जयकाल आर्मी बम लॉन्चर से उस घर के ऊपर भी फायर कर देते हैं। घर की पूरी छत टूट जाती है और मेहुल के ऊपर गिरने ही वाली होती है। तभी मेहुल को पीछे एक खिड़की दिखाई देती है। मेहुल उस खिड़की की तरफ भागता है और आलिया और मेहुल खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और घर से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर गिर जाता है। मेहुल अपनी स्पेशल बुलेट ब्लास्टिंग गन निकालता है और निशाना लगाकर जयकाल आर्मी के एक आदमी को शूट कर देता है। गोली लगते ही जयकाल आर्मी का आदमी ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक दूसरा जयकाल आर्मी का आदमी चौराहे के बगल में खड़ी कार के पीछे छुपकर फायरिंग करने लगता है। अगर मैंने उस कार में गोली मार दी तो बेकार में पूरी कार ब्लास्ट हो जाएगी,
मेहुल पूरे ध्यान से उसके सर को टारगेट करता है और गोली चला देता है। मेहुल की बुलेट कार के शीशे में छेद करती है और उस आदमी के सिर पे लग जाती है और वो आदमी पीछे खींचकर लाश हो जाता है। उधर आलिया छुपते छुपते जयकाल आर्मी के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर आलिया जहां से देखती है तो चार जयकाल आर्मी छुपकर मेहुल पर फायरिंग कर रहे थे। आलिया अपनी जेब से बिस्किट बम निकालती है। आलिया निशाना लगाकर बिस्किट बम को कैफे के दरवाजे के पास फेंक देती है और जोरों से चिल्लाती है, भागो बम। बम की बात सुनते ही जयकाल आर्मी उसी कैफे की तरफ भागने लगती है और तभी एक जयकाल आर्मी का पैर उस आलिया के बिस्किट बम पे पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। जयकाल आर्मी अब तक काफी डर चुकी थी और तभी वहाँ मेहुल का खबरी पूरी की पूरी मेहुल आर्मी लेकर आ जाता है। इतनी सारी मेहुल आर्मी देख कर जयकाल के बच्चे कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। अब मेहुल आर्मी जयकाल आर्मी से फाइट करेगी। इसके बाद मेहुल जयकाल आर्मी से पूछताछ करता है, सीधे सीधे जयकाल के अड्डे का पता बताओ नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मेहुल उसके सर पर अपनी गन लगा देता है। वो आदमी डर जाता है और जयकाल का पता बता देता है, सर जयकाल पायल होटल में बैठ के पूरे शहर को उड़ाने का प्लान ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद मेहुल अपनी खबरी को उस जगह का एड्रेस देता है जहाँ पर मेहुल ने अपनी पंचर कार को जंगल में छुपा दिया था और कहता है, मेरी कार जंगल में पंचर पड़ी है, उसे ठीक कराओ और मेरे पास लेके आ जाओ। इसके बाद मेहुल आलिया और मेहुल आर्मी के साथ पायल होटल में पहुंच जाता है। आलिया तुम बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ। इसके बाद मेहुल अपनी आधी आर्मी को आलिया के साथ बाहर छोड़ देता है और आधी आर्मी मेहुल के साथ पायल होटल के अंदर जाती है। मेहुल छानबीन करने लगता है। मेहुल छानबीन करते करते अपनी आर्मी के साथ पांचवे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और एक नोट दीवार पर लगा हुआ था, मेहुल तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम पायल होटल से बच के जिंदा नहीं जा पाओगे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जयकाल को हमारे बारे में खबर दे दी थी। जरूर मेहुल आर्मी का कोई आदमी जयकाल से मिला हुआ है, क्योंकि आज मेहुल आर्मी तैयार हुई है और हो सकता है आदमी जयकाल का हो। तभी मेहुल की घड़ी में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। ओह नो, यहाँ पर तो बॉम्ब है, भागो। मेहुल और उसकी आर्मी अपनी जान बचाने के लिए वापस सीढ़ियों की तरफ भागने लगती है, लेकिन सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए थे। सर सीढ़ियों पे हर जगह माइंस लगे हुए है, पैर रखने की जगह भी नहीं है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया कोई होटल में नीचे छुपा हुआ है, उसने यहाँ पे बम लगा दिए हैं, उसे पकड़ो। आलिया होटल के दूसरे गेट पे जाती है जहाँ पे जयकाल आर्मी के दो लोग भाग रहे थे। आलिया के साथ मौजूद मेहुल आर्मी के लोग जयकाल आर्मी के पैरों पे गोली मार देते हैं। आलिया तुरंत दौड़कर उन्हें पकड़ लेती है और बम के बारे में पूछती है, तो वो दोनों बताते हैं कि पांचवे फ्लोर के बाथरूम में टाइम बम छुपा हुआ है। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है, सर बाथरूम के अंदर बम छुपा हुआ है। मेहुल तुरंत बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन पूरा बाथरूम बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तभी मेहुल की नजर बाथरूम के कमोड पे जाती है। मेहुल कमोड को ओपन करता है तो उसके अंदर पॉलीथिन में वो टाइम बम रखा हुआ था। मेहुल जैसे ही बम को बाहर निकालता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसमें बस 20 सेकंड बचे हुए हैं, इसका मतलब 20 सेकंड में बम ब्लास्ट हो जाएगा। मेहुल तुरंत टाइम बम को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और लिफ्ट की तरफ भागता है। सारी मेहुल आर्मी भी मेहुल के पीछे भागती है, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी। जयकाल आर्मी ने हमें मारने की पूरी तैयारी कर ली है। अब टाइम बम फटने में केवल 10 सेकंड बचे थे और लिफ्ट भी बंद थी और सीढ़ियों में माइंस बिछे हुए थे। मेहुल को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मेहुल सामने वाली खिड़की से वो टाइम बम नीचे फेंक देता है। बम एक पेड़ के ऊपर गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। बम ब्लास्ट होते ही पूरा पेड़ जलकर राख हो जाता है। मेहुल और मेहुल आर्मी बच जाती है। इसके बाद आलिया नीचे से एक रस्सी ऊपर फेंकती है और मेहुल अपने साथियों के साथ उस रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है। अपनी टीम में से कोई आदमी गद्दार है, उसने ही जयकाल को हमारे यहाँ आने की खबर दे दी होगी। मेहुल पूरी आर्मी को एक साथ खड़े करके पूछताछ करता है, तो फाइनली उसे तीन लोगों पे डाउट होता है। मेहुल तीनों के मोबाइल चेक करता है। तीनों लोगों ने व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम एक अननोन नंबर से चैटिंग की थी और तीनों ने चैट को डिलीट कर दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए दूसरे वाले बंदे ने आज ही चैट डिलीट किया है। उसकी स्क्रीन पर टुडे लिखा हुआ है और बाकी दोनों लोगों ने कल डिलीट किया था और मेहुल आर्मी आज बनी है, मतलब यही आदमी ने मैसेज करके इसे डिलीट कर दिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और मेहुल आर्मी से निकाल देता है और उसे उसी कमरे में डाल देता है जहाँ जयकाल आर्मी के सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। थोड़ी देर बाद मेहुल का स्पेशल खबरी मेहुल की गाड़ी ठीक करके लेके आ जाता है। मेहुल आलिया और बाकी मेहुल आर्मी मेहुल की कार में वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। लैब के अंदर डॉक्टर संजना केमिकल वाली गैस पर रिसर्च कर रही थी और भूलभुलैया साइंटिस्ट जयकाल के बालों का डीएनए चेक कर रहा था। मेहुल भूलभुलैया साइंटिस्ट से एंटीडोज के बारे में पूछता है, तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उस पे रिसर्च जारी है और बहुत जल्द एंटीडोज बन जाएगा। उधर जयकाल शहर के बाद एक बिल्डिंग के पास पूरे शहर पे कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। जयकाल ने विदेशों के दो साइंटिस्ट को हायर भी किया था जो उसके लिए तरह तरह की चीजें बना रहे थे। इस बार वो दोनों साइंटिस्ट ने जयकाल के लिए एक स्मोकिंग अमरूद बनाया था। वो अमरूद नीचे गिरते ही फट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा धुआं बाहर निकल जाता है और दिखना बंद हो जाता है। और फिर जयकाल अपने बुलेट प्रूफ हेलीकॉप्टर से मेहुल को मारने के लिए निकल पड़ता है
और अपने साथ स्मोकिंग अमरूद भी ले लेता है। अपने हेलीकॉप्टर से वो डॉक्टर संजना की लैब के ऊपर पहुंच जाता है और फिर अपने AK-47 से लैब के ऊपर फायरिंग करने लगता है। ये तो जयकाल है, सब लोग अलर्ट हो जाओ, इस बार जयकाल खुद डरने आ गया है। इसके पहले कि मेहुल जयकाल के ऊपर फायरिंग करता, जयकाल स्मोकिंग अमरूद फेंक देता है और लैब के चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर संजना कुछ करो, खुद भी दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर संजना एक बटन दबाती है और लैब के चारों तरफ स्पेशल फैन चलने लगते हैं। फैन की हवा के कारण सारा धुआं छट जाता है। धुआं छटते ही मेहुल लैब से बाहर निकलता है, लेकिन तभी अचानक जयकाल अपने हेलीकॉप्टर से वापस जाने लगता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जयकाल यहाँ पे क्यों आया था। जयकाल के साथ आए तो चार लोग थे, लेकिन गए सिर्फ तीन लोग है, मतलब एक आदमी यहीं कहीं पर है। मेहुल और आलिया उसे ढूंढने लगते हैं। तभी आलिया को एक घर पे डाउट होता है और आलिया उस घर के डोर को खटखटाती है। मेहुल जैसे ही उस बिल्डिंग की तरफ जाता है, उस बिल्डिंग की खिड़की से जयकाल आदमी का एक आदमी कूदकर भागने लगता है। मेहुल उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती। मेहुल की बंदूक में बस एक गोली बची हुई है। तभी मेहुल को ऑयल की टंकी दिखाई देती है और मेहुल उस पे शूट कर देता है। गोली लगते ही टंकी ब्लास्ट होती है और सारा ऑयल उस आदमी के ऊपर गिर जाता है। वो आदमी फिसल के नीचे गिर जाता है। मेहुल जयकाल आर्मी के उस आदमी को पकड़कर डॉक्टर संजना की लैब में लेके जाता है। मेहुल उस आदमी से जयकाल के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। तब बुलबुलिया साइंटिस्ट कहता है, मेहुल मेरी लैब में एक ऐसी दवा रखी है जिससे खाने के बाद ये आदमी सारी सच्चाई बता देगा। तभी डॉक्टर संजना जोरों से चिल्लाती है, आंटी डोज तैयार हो गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अब हम सारे शहर को बचा लेंगे। इसके बाद बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल तुरंत एक बगल वाले घर में जाते हैं, जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली केमिकल वाली गैस के कारण गहरी नींद में सो रही थी। बुलबुलिया साइंटिस्ट उस बूढ़े आदमी को एंटीडोज लगा देता है और 5 मिनट बाद उस बूढ़े आदमी को होश आ जाता है। मुझे क्या हो गया था, मेरे बच्चे दिन के समय में सो क्यों रहे हैं, इन्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। अंकल आप सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम सारे परिवार को ठीक कर देंगे। इसके बाद मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट डॉक्टर संजना की लैब में वापस आ जाते हैं। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर संजना, हमारा एंटीडोज काम कर गया। लेकिन तभी डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है, जयकाल के डीएनए से एक एंटीडोज तो बन गया, लेकिन सारे शहर को बचाने के लिए जयकाल का लगभग 100 ml ब्लड चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका मतलब मुझे जयकाल का खून लाना होगा, तभी हम शहर को बचा पाएंगे। अरे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग आराम से जयकाल के अड्डे पे पहुंच जाएंगे और उसे बेहोश करके उसका खून वापस ले आएंगे। आलिया ये मजाक का वक्त नहीं है, भला हम इतनी आसानी से जयकाल तक कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ देर पहले बुलबुलिया साइंटिस्ट ने बताया था कि उसके पास एक ऐसी दवा है जिसे खाकर जयकाल आर्मी का आदमी सच्चाई बता देगा। मेहुल उसी आदमी से सच्चाई पता करके जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनकर जयकाल के अड्डे पे जा सकता है। आलिया तुम डॉक्टर संजना के पास रहो। इसके बाद मेहुल अपनी पूरी मेहुल आर्मी को बुलाकर सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर संजना की लैब के बाहर खड़ा कर देता है और बुलबुलिया साइंटिस्ट के साथ उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल अपनी कार बहुत तेज चला रहा था क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट की लैब तक पहुंचना था और साइंटिस्ट के घर तक पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट अपने फिंगर से डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। लैब में सब चीजें तहस नहस हो रखी थी। लगता है यहाँ पे जयकाल आर्मी के लोग आके गए हैं। साइंटिस्ट एक कबर्ड खोलता है और उसमें दवाई मिल जाती है। दवाई लेकर दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। साइंटिस्ट और मेहुल दोनों कार पे बैठ जाते हैं। मेहुल को आसपास के सीन को देख के लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे जयकाल आर्मी के लोग छुपे हुए हैं। बुलबुलिया साइंटिस्ट तो मेरा रिवॉल्वर रख लो, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद मेहुल तुरंत अपनी जेब से बिस्किट बम निकालता है और उन पेड़ों के नीचे फेंक देता है। तभी अचानक पेड़ों के ऊपर से जोरदार फायरिंग होने लगती है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए बुलबुलिया साइंटिस्ट और मेहुल को कुछ नहीं होता। फिर मेहुल अपनी कार की स्पेशल पावर यूज करता है और एक बटन दबा देता है। जैसे ही मेहुल बटन दबाता है, कार के आगे वाले बोनट से फायरिंग होने लगती है और मेहुल की कार फायरिंग करने लगती है। मेहुल कार को चलाने लगता है और जिस साइड से फायरिंग हो रही थी, मेहुल कार को उसी साइड में मोड़ते जाता है। एक एक करके पेड़ के सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं और बाकी जान बचाने के लिए जंप करते हैं। वो बिस्किट बम पे गिर जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में पेड़ों से फायरिंग बंद हो जाती है। मेहुल कार से बाहर निकलता है। तभी अचानक पीछे से एक जयकाल आर्मी का आदमी छुपकर धीरे धीरे मेहुल की तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी, लेकिन साइंटिस्ट से देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। और इसके बाद मेहुल और बुलबुलिया साइंटिस्ट तुरंत वो दवाई लेकर वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट पानी में दवाई को मिला के उस जयकाल आर्मी के आदमी को दे देता है और धीरे धीरे दवाई अपना असर दिखाने लगती है और वो आदमी नशे में आ जाता है। मेहुल दवाई काम कर चुकी है, अब तुम इससे सवाल पूछो। बताओ इस वक्त जयकाल कहाँ से अपना प्लान ऑपरेट कर रहा है। तब वो आदमी बताता है कि शहर के पास जंगल में जयकाल ने एक लैब बना रखी है और वहीं से बैठकर सारे शहर को मारने का प्लान बना रहा है। जयकाल आर्मी का वो आदमी एक एक करके जयकाल की सारी इन्फॉर्मेशन मेहुल को दे देता है।
मेहुल तुरंत उस आदमी के कपड़े उतार कर पहन लेता है। मैं जयकाल के अड्डे पे जा रहा हूँ और उसका ब्लड लेकर ही वापस आऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूंगी सर। नहीं, वहाँ बहुत खतरा है, तुम यहीं पर रुको और सारे लोगों की रक्षा करो। इसके बाद आलिया बहुत जिद करती है। फाइनली डॉक्टर संजना के कहने पर मेहुल उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाते जाते मेहुल अपनी आर्मी से कहता है, डॉक्टर संजना और बुलबुले साइंटिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। मेहुल और आलिया जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर जयकाल की लैब बनी हुई थी, लेकिन वहां पर मेहुल को पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमें आसपास अच्छे से देखना होगा। मेहुल और आलिया थोड़ा और आगे जाते हैं तो मेहुल को थोड़ा डाउट होता है। सामने के पेड़ों को ध्यान से देखिए, सारे पेड़ बिल्कुल एक लाइन में लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात, सारे पेड़ों के नीचे अच्छी तरह से साफ सफाई है और बिल्कुल भी घास नहीं है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इन घने जंगलों में पेड़ों की देखभाल करने के लिए भला कौन आएगा? आलिया तुम यहीं पे छुप जाओ, घर अंदर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें अपनी घड़ी से सिग्नल भेज दूंगा। इसके बाद आलिया जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और मेहुल सामने वाले पैरल पेड़ों के पास पहुंच जाता है। वहां झाड़ियों के पीछे जयकाल आर्मी के दो लोग छुपे हुए थे। मेहुल ने भी जयकाल आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए वो दोनों मेहुल को लैब के अंदर लेके चले जाते हैं। लैब के अंदर जयकाल और उसके दो साइंटिस्ट एक लाल कलर की जहरीली गैस बना रहे थे। सर, गैस तैयार हो चुकी है, जो भी इस गैस के कांटेक्ट में आएगा वो मर जाएगा। मतलब जयकाल चारे शहर को जान से मारने वाला है। पिछली बार तो केवल मैंने बेहोश करने वाली गैस शहर में छोड़ी थी, इस बार चारे शहर को खत्म कर दूंगा। इसके बाद जयकाल अपनी पूरी आर्मी को एक साथ बुलाता है। जैसे ही ये लाल वाली गैस शहर में फैलेगी, पूरा शहर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। तभी जयकाल का ध्यान मेहुल पे जाता है। पूरी जयकाल आर्मी में किसी ने घड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन मेहुल ने पहन रखी थी। कौन हो तुम और इस घड़ी के अंदर क्या है? सर, मैं जयकाल आर्मी के बैच नंबर 20 का मेंबर हूँ। मेहुल ने मेरे भाई को मार दिया था, इसलिए उसे मारने के लिए मैंने जयकाल आर्मी को ज्वाइन किया है। गुड गुड, वेरी गुड। इसके बाद जयकाल अपने कमरे में चला जाता है और पूरी जयकाल आर्मी अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेहुल इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मेहुल छुप छुप कर जयकाल के कमरे में जाने लगता है। जयकाल का कमरा बहुत ही सिक्योर था, लेकिन मेहुल अपने दिमाग से सारे सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है और जयकाल के रूम के दरवाजे का पासवर्ड भी खोल लेता है। मेहुल कमरे के अंदर चला जाता है और फिर मेहुल अपने जेब से एक रुमाल निकालता है, उस रुमाल में क्लोरोफॉर्म था। मेहुल वो रुमाल जयकाल के मुंह में लगा देता है और जयकाल बेहोश हो जाता है। मेहुल जयकाल का 100 ml ब्लड निकाल लेता है और अपनी स्मार्ट घड़ी से आलिया को एक वॉइस मैसेज कर देता है। आलिया, मुझे जयकाल का ब्लड मिल गया है, तुम बुलबुले या साइंटिस्ट को कॉल करके बता दो, जल्दी से जल्दी गैस लॉन्चर बनाकर तैयार कर ले। उधर जंगल में पेड़ के ऊपर बैठी आलिया तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट को कॉल करके सारी बात बता देती है। अभी मैं इसे नहीं मार सकता हूँ, क्या पता आगे इसके ब्लड की और जरूरत पड़ जाए। मेहुल जयकाल का ब्लड देकर जैसे ही कमरे के बाहर निकलता है, तभी एक जयकाल आर्मी का आदमी मेहुल को देख लेता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल भी अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे जयकाल आर्मी आ जाते हैं। पास में एक कूलर रखा था, मेहुल उसके पीछे छुप के उन पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन जयकाल आर्मी के लोग बढ़ते ही जा रहे थे। मैं अकेला ज्यादा देर से नहीं लड़ पाऊंगा। मेहुल देखता है कि कूलर में विष लगे हुए थे। मेहुल कूलर में लटक जाता है और उसे उल्टा खींचता है। कूलर तेजी से अपने विष पे चलने लगता है। मेहुल कूलर पे लटकते हुए तेजी से वहां से भागने लगता है। जयकाल आर्मी भी मेहुल के पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन मेहुल तेजी से वहां से निकल जाता है और बाहर पहुंच जाता है। बाहर मेहुल को चार जयकाल आर्मी के लोग और मिल जाते हैं। मेहुल रिवॉल्वर चेक करता है तो उसमें बस एक गोली थी। तभी मेहुल को पास में रेड कलर वाली गैस की बोतल दिख जाती है। मेहुल बिना देरी किए अपनी आखिरी गोली उस लाल कलर की गैस को मार देता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। भागते समय जयकाल आर्मी मेहुल पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। एक गोली मेहुल के बाजू में लग जाती है, लेकिन मेहुल जयकाल आर्मी की लैब से किसी तरह बाहर निकल जाता है। जयकाल की लैब में लाल रंग की जहरीली गैस पूरी फैल जाती है और वहां के सारे लोग मर जाते हैं। पूरी की पूरी जयकाल आर्मी खत्म हो जाती है। मेहुल जयकाल का ब्लड लेकर लैब से बाहर जंगल में आ जाता है, जहां आलिया पहले से मेहुल का इंतजार कर रही थी। अरे सर, ये क्या हो गया? कुछ नहीं, गोली बाजू को छूकर निकल गई है, हमें तुरंत डॉक्टर संजना की लैब में पहुंचना होगा। दोनों तुरंत वहां से निकलकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आलिया ने पहले ही कॉल करके भूलभुलैया साइंटिस्ट ने मशीन पहले से तैयार करके रखी थी। डॉक्टर संजना और भूलभुलैया साइंटिस्ट मिलकर एक घंटे के अंदर एंटीडोज का गैस फॉर्म बना लेते हैं और इसके बाद मेहुल और भूलभुलैया साइंटिस्ट और पूरी मेहुल आर्मी एक साथ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। भूलभुलैया साइंटिस्ट गैस लॉन्चर को स्टार्ट कर देता है और उसमें एंटीडोज डाल देता है। थोड़ी देर बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे शहर में नीले कलर की गैस फैल जाती है। देखते ही देखते शहर के सारे लोग ठीक हो जाते हैं और गहरी नींद से जागने लगते हैं। फाइनली मेहुल और उसकी टीम ने मिलकर शहर को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।
लेकिन क्या जयकाल उस रेड गैस से बच पाया, देखेंगे हम आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू।